देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है कि जैसे मैंने अर्ज किया, 15 नवंबर से पहले फैसला कभी भी आ सकता है और उसमें इसका अंदेशा तो है, बहरहाल कम ही सही लेकिन एक अंदेशा है कि माहौल जो है खराब करने की कुछ लोग कोशिश करें, कुछ इश्तहाल दिलाएं, कुछ और चीजें हों। तो हमने प्रेस नोट में बुनियादी तौर पर दो इश्यूज या दो चीजें रखी हैं। एक तो अक्टूबर के आखिर में जमात इस्लामी हिंद की मरकजी मजलिस शूरा, जो सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल है, उसने कुछ करारदादें, कुछ रेजोल्यूशंस पास किए हैं बाबरी मस्जिद के सिलसिले में और एनआरसी के सिलसिले में और मईशत के सिलसिले में। और दूसरा जो टॉपिक हमारे प्रेस नोट का है वो है दिल्ली में जो हालिया जो पोल्यूशन लेवल जो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे हैज़ार्डस लेवल पर पहुंच गया, उस पर है। तो जो जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा ने जो करारदादें पास की हैं उसका मुख्तसर खुलासा यह है कि जहां तक बाबरी मस्जिद केस और इशू का सवाल है, तो मुस्लिम जो हमारे उकला थे, जो लॉयर्स थे, उन्होंने बहुत ही बेहतर अंदाज में, बहुत ही अच्छे अंदाज में केस को पुट अप किया है शवाहिद के बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे। और अब फैसला बहुत जल्द मुतवक्के है, एक्सपेक्टेड है। तो दुनिया ये देखेगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको किस तरह से जजमेंट अपना प्रनाउंस करती है, क्या वो महज क्लेम्स के बेसिस पे या इमोशनल अपील के बेसिस पे अपना जजमेंट देती है, या जो एविडेंस और शवाहिद जो जो कंटेस्टिंग पार्टीज थे उन्होंने पेश किया है उसके बुनियाद पर अपना जजमेंट देती है। हम गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी जजमेंट आए वो लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखें और मुस्लिम कम्युनिटी खास तौर पर हम अपील करना चाहते हैं उस रेजोल्यूशन के जरिए कि वो मुश्तइल ना हो, इमोशनल या प्रोवोकेटिव जो चीज़ें आ सकती हैं उसका शिकार ना हो, बल्कि अपना कूलनेस मेंटेन करें। जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, जमात ये महसूस करती है कि ये इकोनॉमी गवर्नमेंट टोटली फेल हो चुकी है इकोनॉमी को हैंडल करने में, और जो स्टेप्स उसने लिए थे डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी बहुत जल्दी गलत अंदाज में इम्प्लीमेंट करने की वजह से जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक डैमेज हुई हिंदुस्तान की। और हुकूमत ने पहले तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम है, और जब एक्सेप्ट भी किया तो उसको ये बताया कि ये बिजनेस साइकिल या साइक्लिकल रीजन के वजह से मईशत में मंदी आई है। तो जमात ये समझती है कि ये साइक्लिकल रीजन नहीं है बल्कि ये डिमांड की कमी से हुआ है, जो गवर्नमेंट के डिसीजंस रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो डिमांड को बूस्ट करना चाहिए, उसी से इकोनॉमी रिवाइव होगी। जहां तक एनआरसी का ताल्लुक है, मुतअद्दिद मौके पे हमने यहाँ प्रेस रिलीज जारी की है, बयान दिए हैं, और जमात एनआरसी का जो आसाम का जो पूरा किस्सा हुआ है उसको काफ़ी तश्वीश की निगाह से देखती है। और ख़ास तौर पे अभी ये जो बातें आ रही हैं मीडिया में कि गवर्नमेंट उसको पूरे मुल्क में नाफिज करेगी, उस पर भी जमात गहरी तश्वीश का इजहार करती है। तो ये करारदादों का खुलासा था। जहाँ तक प्रदूषण, आलूदगी और पोल्यूशन का सवाल है, हमने प्रेस नोट में ये बात रखी है कि दिवाली में जो फायर क्रैकर्स, खासतौर पे जो कन्वेंशनल फायर क्रैकर्स और नॉन ग्रीन फायर क्रैकर्स जो आवाम ने उड़ाया है और उसको सेलिब्रेट किया है, उससे काफ़ी पोल्यूशन में सडन एक इंक्रीमेंट और एक स्पाइक हुआ है। उसके अलावा जो नेबरिंग स्टेट से जो स्टबल जलाते हैं खेतों में, उससे भी पोल्यूशन का लेवल बढ़ा है यकीनन। लेकिन उसका जो रूट कॉज है उसको एड्रेस करना चाहिए, और वो रूट कॉज ये है कि हम एक कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी
بن رہے ہیں ایک گلوبل اکنامی کا حصہ ہونے کے تگ و دو میں, جو ایک یونیک کلچر اور ایک کنزیومرسٹ سوسائٹی اور اکنامی پیدا کرتا ہے, جس سے زیادہ کنزمپشن کی طرف توجہ ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن ہو, اور ظاہر ہے کہ اس سے جو پولیوشن لیول ہے یا جو کاربن فٹ پرنٹ ہے وہ کسی بھی ملک کی بڑھتے جاتی ہے. تو اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے, ہر چیز میں ماڈریشن ہونا چاہیے. اگر عوام, اگر ممالک, اگر حکومتیں اس اسلامی تعلیمات پر توجہ دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان جو مسائل ہیں زندگی کے, بڑے بڑے مسائل, اس پر وہ قابو پا سکے. تو یہ چھوٹی سی بریفنگ تھی آج کے پریس میٹ کے لیے. ابھی میرے بائیں جانب محمد سلیم انجینئر, نائب امیر جماعت اسلامی ہند, اور وہاں پر مصطفیٰ فاروق صاحب جو ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز جماعت اسلامی ہند, آپ ہی مرکزی مجلس شورا کے رکن ہیں, تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سوال کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے, جیسا کہ ابھی بتایا بھی گیا ہے کہ جس طرح سے عدالت میں فیصلے کی کاروائیاں چلی ہیں اور مسجد کے حق میں جس طرح ہمارے وکلا نے اور ہماری لیگل ٹیم نے جس طرح کے ایویڈنسز دیے ہیں, جو بحثیں کی ہیں اور جو شواہد پیش کیے ہیں, ان سے تو بالکل واضح ہے کہ یہ فیصلہ مسجد کے حق میں آنا چاہیے, اور ہم اسی کی توقع رکھتے ہیں, اور اس سے ہمارے ملک کی عدلیہ, ہمارے ملک کی جوڈیشری اور ہمارے ملک کی ڈیموکریسی پر جو بار بار سوال اٹھتے رہتے ہیں, تو ایک موقع ہے کہ اس سے ہماری تصویر بہتر ہوگی, یہ فیصلہ حق و انصاف کے مطابق آئے گا. لیکن یہ کہ مان لیجیے کچھ اور فیصلہ آتا ہے, تو بھی مسلمانوں کی طرف سے, مسلم تنظیموں کی طرف سے, مسلمانوں کے جو کلیکٹیو فورمز ہیں ان کی طرف سے یہ بات بار بار دہرائی جاتی رہی ہے کہ آخر عدالت جو فیصلہ کرے گی اس سلسلے میں اس فیصلے کو مانا جائے گا, اور ظاہر ہے کہ ماننے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس فیصلے کو حق اور انصاف سمجھا جائے یا اس کو انصاف سمجھا جائے, لیکن ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں جب کہیں آخری مرحلے پر کوئی چیز جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس چیز کو ماننا ہوتا ہے. تو یہ بات برابر کہی جاتی رہی ہے کہ اس کے باوجود جو فیصلہ آئے گا اس کو مانا جائے گا, اور یہ کہ جو اور آپشنس لیگل باقی ہوں گے, چاہے وہ ریویو پیٹیشن کے ہوں یا کچھ اور, جتنے آپشنس ابھی کچھ باقی اگر رہیں گے ان کو بھی اختیار کیا جائے گا, اور یہ واضح طور پر یہ بات ہماری طرف سے آتی رہی. سر, اس میں ایک تیسرا پکش بھی آ رہا ہے, جو بودھسٹ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جب خدائی ہوئی تھی تو اشوکا بدھ کے کچھ وہاں پر ملی ہیں چیزیں, تو انہوں نے یاچیکا لگائی, کیا لگتا ہے آپ کو سپریم کورٹ اس پہ اسٹے لے گا؟ دیکھیے, اب تو تقریباً یہ فیصلہ کنکلوڈ ہو رہا ہے اور فیصلہ لکھا جا رہا ہوگا, اور موجودہ جو چیف جسٹس ہیں ان کو 17 نومبر کو ریٹائر ہونا ہے. اس سے پہلے پہلے ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 15 نومبر یا اس سے پہلے کبھی بھی یہ فیصلہ آ سکتا ہے. تو اب تو عدالت کے سامنے اور بینچ کے سامنے تمام چیزیں موجود ہیں, اور پورا ملک انتظار کر رہا ہے فیصلے کا, اور انشاءاللہ فیصلہ آئے گا, اور جو بھی آئے گا ظاہر ہے کہ اس پر یہ بات مسلم جماعتوں کی طرف سے بھی کہی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ اس پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار نہ کریں اور اشتعال کوئی نہ دلائے اور ایک دوسرے کے خلاف کوئی چیزیں نہ ہو. سارے مذاہب کے لوگ بھی مل کر اپیل کر رہے ہیں کہ ملک میں امن و امان رہنا چاہیے, اور حکومت سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے حالات میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے. سر, بی جے پی نیتا کا بیان آیا ہے کہ اب رام مندر تو ہو گیا لیکن اب کانسی متھورا باقی ہے, اس پہ ایکشن ہے, آپ کیسے دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بیان تو بہت لوگ دیتے رہتے ہیں اور ان بیانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ابھی مسئلہ بابری مسجد کا ہے اور فیصلے کا ہے, تو انشاءاللہ اس کا انتظار ہے ہم سب کو, اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ اس سے ہمارے ملک کا اور ہماری عدلیہ کا وقار بڑھے گا, حق و انصاف کے مطابق فیصلہ آئے گا انشاءاللہ. جی جی, شاید
आप सोशल मीडिया के उन प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं आप तक कभी शायद पहुंच नहीं हुई है उसकी, लेकिन हमारा ख्याल यह है कि आपको मालूम है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका बड़ा हिस्सा तो बेअसर हो गया है, उस पर अब कोई इंहिसार और कोई उम्मीद उससे नहीं है, उसका एक बहुत छोटा हिस्सा है जो अभी भी आवाज़ उठा रहा है। तो इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो सोशल मीडिया ही के ज़रिए से ज़्यादा हो रहा है, और जमात आज से नहीं बल्कि पिछले निकात से बाकायदा पिछले 4 सालों से हमने बाकायदा उस सिलसिले में कोशिशें की हैं, और इस साल हमने और ज़्यादा फोकस करके हमारी सोशल मीडिया टीम्स को स्टेट में भी और हलकों में भी इन तमाम चीज़ों को फैलाने का ज़रिया बने। कश्मीर के हालात का जायज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ जो हमारे NGOs और दूसरे और इंसाफ पसंद लोगों की तरफ से जो ये चीज़ें आई हैं, जमात इस्लामी हिंद के भी हमारे कुछ साथी इन कोशिशों में शरीक रहे हैं और वहाँ ग्राउंड रूट पर हालात को देख कर आए हैं। मुश्तबा फारूक साहब जो हमारे साथ हैं हमारे मरकजी टीम में हैं वो भी वहाँ तशरीफ ले गए थे, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि कुछ तफसीलात बताएं। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया 15 नवंबर से पहले फैसला कभी भी आ सकता है, और उसमें इसका अंदेशा तो है बहरहाल कम ही सही, लेकिन एक अंदेशा है कि माहौल जो है ख़राब करने की कुछ लोग कोशिश करें, कुछ इश्ताल दिलाएँ, कुछ और चीज़ें हों, बहरहाल उसके लिए जो है लोगों के बारे में ठीक से नज़र रखना, निगाह रखना, और उससे पहले कुछ कोशिशें की जाएं ताकि माहौल ठीक रहे, और अगर कहीं कुछ छोटी मोटी कोई चीज़ अगर हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कैसे कोशिशें की जाएं। तो इस सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें तो उनके फीडबैक के बाद भी तय होगी, ये जो लोग आए हैं ये अपने अपने स्टेट के ज़िम्मेदार हैं, उनके मशवरे आएंगे, वो फीडबैक देंगे, और फिर जो बातें यहाँ मोटी मोटी आई हैं कि हम सब लोगों के साथ मिलकर माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करें कि इश्ताल पैदा ना हो, गुस्सा पैदा ना हो लोगों में, और माहौल को ठीक ठाक रखने की कोशिश हो, और हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करे। तो उस सिलसिले में मिलजुल कर कोशिशें करने की तरफ हम कोशिश करेंगे, मुसलमान तंजीमें भी आपस में मिलकर और मुसलमानों के साथ दूसरे जो इंसाफ पसंद लोग हैं, मजहबी लोग हैं, उनके साथ मिलकर भी हम क्या क्या कर सकते हैं माहौल को ठीक रखने में, ये इस सिलसिले में मनसूबा बनाया जी। हाँ देखिए इस वक्त यहाँ से खतूत के ज़रिए से ख़त लिखे जा रहे हैं मुख्तलिफ, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट को और वज़ीर आज़म को और दूसरी मिनिस्ट्रीज़ को और स्टेट होम मिनिस्टर्स को, स्टेट के जो होम सेक्रेटरीज़ हैं उनको, और उनको मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो मुलाकात का तो फ़िलहाल अभी कोई ऐसा मनसूबा नहीं है, लेकिन ये बातें उन तक पहुंचाने का नज़्म किया जा रहा है कि उन तक बात पहुंचे कि हम क्या चाहते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है और उन जिम्मेदारियों को उनको कैसे पूरा करना चाहिए। नहीं, हमारी अपील तो सबसे है, हम हमारी अपील में कोई छूटा हुआ नहीं है और हमारी कोशिशों में भी कोई छूटा हुआ नहीं है, हम तो हर एक उस शख्स का साथ लेना भी चाहते हैं, देना भी चाहते हैं, मिलकर कोशिश करना चाहते हैं जो माहौल को ठीक रखने की कोशिश करें और लाइन ऑर्डर को मेंटेन करें। तो हर अच्छी कोशिश चाहे कहीं से भी हो, कोई भी करे, अलग से करे, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे तमाम लोग जो ये कोशिशें कर रहे हैं मिलजुल कर करें तो उसका ज़्यादा असर होगा।